हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करते हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जो आपके में से एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि मैडम, पोस्ट कोविड 19 लंग एक्सरसाइज बताइए कि लंग की अपन स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज ही ये हमारा टॉपिक है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज होते हैं जो आपकी लंग की कैपेसिटी को, आपके लंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पर सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि लंग का क्या वर्क है हमारी बॉडी में। दोस्तों, लंग जिसे हम हिंदी में फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का। ये पेयर्स में होते हैं दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े। ये काम करते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन, जो भी हमको ऑक्सीजन मिलता है उसको, ऑक्सीजन हमको लेना देन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इनका वर्क है। हमको प्रॉपर जो एयर मिलती है, वेस्ट नाइट्रोजन CO2 जो बाहर निकलता है वो लंग्स के वजह से ही हमको प्रॉपर मिलती है दोस्तों। अब लंग्स में ये जो भी कनेक्शन है वो कहाँ से है, वो लंग्स में जो भी कनेक्शन है हमारे नोज़ के थ्रू है दोस्तों। नोज़ के बाद फिर ट्रेकिया से कनेक्टेड इधर हमारे दो लंग्स होते हैं दोस्तों। लेफ़्ट वाला उल्टा वाला लंग जो होता है दोस्तों, थोड़ा छोटा होता है क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा हार्ट होता है, उसके अंदर एक हार्ट की नॉच बनी होती है, उसमें हार्ट होता है। और राइट वाला थोड़ा चौड़ा होता है, वाइडर होता है, उससे उसका वेट भी ज़्यादा होता है दोस्तों। ये है नॉर्मल काम लंग्स का कि हमारा ऑक्सीजन लेना, एयर्स को लेना, ये सारी कैपेसिटी बढ़ाना। अब ऐसे में जब भी लंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये नॉर्मली सबसे पहले आपके नोज़ के थ्रू ही चीज़ जाएगी, क्योंकि नोज़ के थ्रू फिर इधर ट्रेकिया के थ्रू फिर लंग्स में ही जाएगी। आपको ज़ुकाम हो जाना या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, निमोनिया हो जाना या फिर कोई भी ऐसे अस्थमा प्रॉब्लम हो जाना, नोज़ के थ्रू ही आपकी सारी चीज़ें लंग्स में जाएंगी। अब जब एक्सरसाइज की बात की जाएगी दोस्तों कि एक्सरसाइज कैसे किया जाए, कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें हम नोज़ का रोल करेंगे। एक्सरसाइज नोज के थ्रू ही हमको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज हम बताते हैं, सबसे पहला फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, वो एक्सरसाइज है डायफ्रामेटिक आई एक्सरसाइज दोस्तों। डायफ्राम एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, एक झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन बोले, जो कि थोरेसिक कैविटी लंग को और नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करके रखती है दोस्तों। ये डायफ्राम है, इसके ऊपर लंग्स हैं दोस्तों, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो रही है। अब यही मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज इज डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज दोस्तों। इसको करने के लिए पहले आप लेट जाएं, और लेटने के बाद आप एक हाथ अपना सीने में और दूसरा आप पेट के इधर रखें, में सांस भर कर कुछ देर के लिए होल्ड करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जब पेट में जो सांस फिर पुश ऊपर की तरफ होगी तो फ्रेश एयर आपकी लंग तक पहुंच जाएगी दोस्तों। यह है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है दोस्तों वो हमारा है काउंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। काउंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैंने आपको बताऊंगा, जैसे ही आप इनहेल करेंगे दोस्तों आप काउंट करेंगे। एक्सरसाइज को कैसे करना है आज चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज आप बैठ के या फिर लेट कर भी कर सकते हैं। ब्रीथ, सांस लें आपके नोज़ के थ्रू जैसा मैंने आपको बताया था, फिर आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, सिर्फ 5 तक ही काउंट करें आप। जैसे ही आप अंदर से ब्रीथ लेंगे, फिर आप इसके बाद ना होल्ड योर ब्रीथ, उसके बाद ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ के थ्रू आप अपनी ब्रीथ को निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग होल्डिंग टेक्निक अच्छी होगी, फ्रेश एयर आपके लंग्स में आएगी, लंग की इलास्टिसिटी अच्छे से मेंटेन रहेगी। एक्सरसाइज दोस्तों सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप सिंपल डीप ब्रीदिंग लेंगे, नोज़ के थ्रू ही आपको जो भी एयर अंदर जाएगी फिर लंग एक्सपैंड होंगे, फिर आप नोज़ के थ्रू बाहर निकालेंगे, लंग इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन रहेगी दोस्तों। अनदर जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो है कि आपको अनुलोम विलोम के नाम सुना होगा आपने, राइट नोस्ट्रिल से आपको एयर होल्ड करके रखनी है, उसे लेनी है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़नी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एयर लेनी है, फिर राइट नोस्ट्रिल से उसको छोड़ना है दोस्तों। अंदर जो जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लंग की कैपेसिटी और आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखती हैं उसके बारे में हम जानते हैं, चलिए स्टार्ट करें।
वॉकिंग एक्सरसाइज, मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारा अच्छा एक्सरसाइज होता है पार्क में, गार्डन में, लोग को देखा होगा। इसे करने से आप हंसते हैं तो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक अच्छे से पहुंचता है। ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचने से लंग्स की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए आप ज़्यादा हंसे कर रहे हैं। सुबह गुनगुनी धूप में अगर आप टहलते हैं तो इसका आपसे आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और आपका लंग स्ट्रांग बनता है। साथ ही साथ सुबह सुबह आप गुनगुनी धूप लें जिससे आपको नेचुरली विटामिन डी मिले। विटामिन डी मिलने से आपको बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से, सारे इन्फेक्शन से बचा कर रखता है, आपके लंग को स्ट्रांग बनाता है।